जीवाना के राजकीय विद्यालय में उड़ान 2023 का हुआ आयोजन, शिक्षकों व विद्यार्थियों को दी विदाई। साहिलाकुंड क्षेत्र के जीवाना कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उड़ान 2023 वार्षिकोत्सव प्रतिभा सम्मान समारोह एवं भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल के मुख्य अतिथि एवं पूर्व जिला प्रमुख मंजू मेघवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। बतौर विशिष्ट अतिथि के नाते सरपंच उत्तम सिंह धवेसा, CBEO भवरलाल, जिला परिषद सदस्य रामाराम चौधरी, पंचायत समिति सदस्य शंकर देवासी, जालमपुरा सरपंच लीलाराम, भाजपा जिला महामंत्री पुखराज वीराणा, सोसाइटी अध्यक्ष राम सिंह धवेसा, विद्युत विभाग के गोपाल राम, भामाशाह उप सरपंच दशरथ सिंह मेड़तिया, साक्षरता समन्वयक दुर्ग सिंह तोरा, RP लुम्बाराम, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष अयूब खां, भाजपा मंडल अध्यक्ष तुलसाराम व जीतू सोनी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदे की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने बालकों के उज्जवल भविष्य की कामना की व मेहनत कर आगे बढ़ने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान 12वीं के विद्यार्थियों को तिलक व माल्यार्पण कर विदाई दी गई। वहीं प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान विद्यालय से स्थानांतरित हुए व्याख्याता कानाराम सुशील कुमार मोहम्मद इलियास को विदाई भी दी गई। कार्यक्रम का मंच संचालन अकबर खान व शौकत अली खान ने किया। कार्यक्रम के अंत में कार्यवाहक प्रधानाचार्य अकबर खान ने सभी का आभार जताया। इस मौके पर भामाशाह अभिभावक व ग्रामीण एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। और पढ़ाई में 90 के ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आप मोबाइल में लिखो, मोबाइल में आओ। अगर ऑनलाइन आपको पढ़ाई करनी है तो आप लैपटॉप लो, लैपटॉप में आप 15,000 ही लगे। और मोबाइल अगर रूटीन हासिल करो अपने सलाह में खबरों देखनी है तो 20,000 दिन मोबाइल लगे। कि भाई आपको पढ़ाई करने नंबर लेना नहीं है तो मोबाइल लाओ। मैं ऑपरेटर घरे घरे रहो, मैं पाचा ऑपरेटर आवे, मैं ऑपरेटर अनाज पाचे तैयार करो, खोदो मेजो पूरो ओको। अगर मोबाइल में दूर की दू तो आप लोगों को हमने करना पड़े और आप अफसर बनोला और अच्छा नंबर ला बोलो। कोई सुविधा नहीं दी तो उन्होंने सोचा कि एक बड़ी जो शिक्षा के प्रति अभी अपने जालो जिले में काफ़ी जागरूकता देखने को मिल रही है। पहले जाते थे तो बच्चे बच्चियाँ कम पढ़ते थे, लेकिन आज देख रहे हैं जितने लड़के हैं इतनी लड़कियाँ भी हैं। पहले गांव में लड़के ज़्यादा पढ़ते थे, लड़कियाँ कोई चुने कोने घरों से जाती थी, लेकिन आज समानता देखने को मिल रही है कि लड़के और लड़कियाँ बराबर विद्यालय में अपनी पढ़ाई कर